दोस्तों, मैं हूं सीता काले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। किनवट में फिर एक बार 4 दिनों के जनता कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। आज 31/8/2020 को किनवट नगर पालिका में किनवट व माहौर के आमदार भीमराव केराम के अध्यक्षता में एक बैठक ली गई थी। किनवट में हर दिन इस बीमारी के मरीज मिलते ही जा रहे हैं। हर वार्ड, हर महिला, हर गांव में इस बीमारी ने तहलका मचा रखा है और इस बीमारी ने किनवट के 10 मरीजों को निगल लिया है। इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से आज किनवट नगर पालिका में सब व्यापारियों के साथ, डॉक्टर्स, पत्रकार, पुलिस, नेताओं के साथ, नगर सेवकों के साथ बैठक ली गई। आज किनवट के नए आए उप जिला अधिकारी कीर्ति कुमार भी पहली बार आए, उनका सबने स्वागत किया और किनवट के उप जिला अधिकारी कीर्ति कुमार ने भी इस जनता कर्फ्यू की बात को मान्य किया। किनवट के DYSP मंदार नाइक, वो किनवट के CEO, किनवट के नगर अध्यक्ष आनंद मछुआर, अजय चाड़ावार और किनवट तहसीलदार उत्तम कागने, किनवट पुलिस निरीक्षक मारुति थोरात इस बैठक में मौजूद थे। किनवट में कल गणेश विसर्जन है और 2/9/2020 को एक दिन के लिए चालू रहेगा। फिर 3/9/2020 से 6/9/2020 तक जनता कर्फ्यू किया जाएगा और फिर 7/9/2020 यानी सोमवार से फिर जैसा वैसा बाजार खुल जाएगा। जनता इस जनता कर्फ्यू का साथ दे और पूरा मार्केट, दुकानें बंद रहेगी, यानी यहाँ तक मेडिकल भी बंद रहेगी। सिर्फ एक मेडिकल को छूट दी गई है, सिर्फ एक मेडिकल चालू रहेगी। इस बात की सब किनवट निवासी नोन कर लें। जो भी जरूरी सामान हो अभी से खरीद कर रख लें और इस जनता कर्फ्यू में किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो निकलेगा वो पुलिस के हाथों सिंगम तरीके से अपना काम किया जाएगा, ऐसा इस बैठक में फैसला लिया गया। किनवट के सब लोगों ने और नेता लोगों ने इस जनता कर्फ्यू के फैसले का स्वागत किया है। इस चैन को तोड़ने का ये एक तरीका है। इस 4 दिन के जनता कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाएं, इस बात की नोन करें और अपनी हिफाजत खुद करें और अपने परिवार के साथ इस पल को हंसी खुशी बिताएं। यानी कि हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इस बात की सभी किनवटवासी नोन कर ले और किसी को भी किनवट में जनता कर्फ्यू में फिरने की इजाज़त नहीं है। देखते रहिए आज की न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ पसंद आई तो आगे ग्रुप में शेयर कीजिए। फर्टिलाइजर वाले असतील, आमची मेडिकल वाले असतील, त्याच्यामध्ये दुसरे आमचे कापड लाईन मधले असतील आणि जे काय गरजू एसेन्शियल ज्या काय गोष्टी असतात त्या संबंधित असणारे आमचे जे व्यवसाय बंधू आहे, बरोबर आहे। आणि ह्यांचं व्यवसाय आणि ह्यांचं मार्केट असल्यामुळे आमच्या शहराला शोभा आहे, म्हणजे आणि गिरायकी तर येणारच, बरोबर। या दोन्ही गोष्टी मला मध्यम माध्यम कुठलं असेल तर आमचे दुकान, आमचे प्रतिष्ठान त्या ठिकाणी बंद राहिलं तर गिरायक त्या ठिकाणी येणार ना। सक्रिय कालपर्यंत होती म्हणून ते प्रादुर्भाव आपण त्या ठिकाणी रोखू शकलो, आता ते सक्रिय का नाही। हे सक्रिय न होण्याच्या पाठीमागे आपल्या लोकांचा असणारा नाकर्तेपणा आहे। त्यांनी जर उद्या सांगितलं की आमच्या पोलिसांनी पकडून एखाद्या 200 रुपये दंड लावला, त्यांनी जर त्याला अरेरावी केली, आपणच ओरड करणार, पोलीस हे जबरदस्ती करतायत, बरोबर आहे। माझा प्रश्न साधा आहे, मला एक चांगला स्वागत मिळाली आहे, त्याबद्दल मी आभार आहे। आणि माझं सौभाग्य आहे की मी किनवट विभागाला
बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते हैं और पब्लिक रोड पब्लिक जगह पे तो ऑलमोस्ट वो खड़ा के बराबर ही है। और एक ऐसा भी है कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क यूज करेंगे तो अपना अपना बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगा, तो जब प्रिकॉशन लेंगे ना तो लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर आएंगे, उनका डर कम हो जाएगा, तो आपका कमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़ेगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो वो भी एक चीज है। तो हम सीईओ साहब से तो बैठ के डिस्कस करेंगे कैसे, और नगर परिषद के टीम से बैठ के डिस्कस करेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने पहले मास्क पे एनफोर्समेंट किए होंगे, दंड लगाए होंगे, जो भी नहीं मास्क लगाए हैं उनको 200 रुपए फाइन, और उधर स्पॉट उनको 2 मास्क दे दो, तो उसको और जो से हमको एनफोर्स करना पड़ेगा। और जैसे सामने ने बताया कि वो भी एक बड़ा समस्या है पूरा विदर्भ में, पूरा ये रीजन और उसको भी थोड़ा एनफोर्स करना पड़ेगा। हमारे तो सब यंत्रणा है, पुलिस है, नगर परिषद है, चाहे सब महसूल कार्यालय, सब मिलकर हम एनफोर्स करेंगे। हमने ये सब किए थे, हमें चंद्रपुर में था तो हम बोर्ड के ब्रेक ऊपर विभाग था, उधर हम साथ में मिलते गए थे, मैं अपना महसूल कर्मचारी लेके साथ में पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, नगर परिषद के सीईओ भी थे, सब मिलके हमने वो मास्क का एनफोर्समेंट किए थे। तो वैसे करेंगे, वैसे किए तो चाहिए ना, ऑफकोर्स वो ब्रेक हो जाएगा। और इधर भी बहुत सारे दुकानदार वाले हैं, बड़े बड़े दुकानदार वाले, अब कितना दुकानदार वाले ऐसे हैं कि अपने अभी भी आपने बोर्ड ऐसा लगाया है कि मास्क विदाउट मास्क आपको हम सफा नहीं देंगे, पहले तो होता, अभी पता नहीं अभी आया आपको एनफोर्स कर रहे हैं कि नहीं, और अपने कस्टमर्स को आप मास्क पहन के आइए ऐसा आपको उनको रिमाइंड कर रहे हैं कि नहीं, वो पता नहीं मुझे आप कितने लोग कर रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, पर करना पड़ेगा। तो और बेसिक क्लीनिनेस वो भी एक मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंटेनमेंट जोन, जैसे कंटेनमेंट जोन, और आपको आपका भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके आजू बाजू आपके दोस्त है, आपके परिवार के फ्रेंड है या कोई भी है, वो मास्क नहीं पहन रहा है तो उसको बोलिए दादा मास्क पहनो, हमारे जिम्मा भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए। तो ये सब हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो एज SDO मैं सब नगर परिषद सीईओ चीफ ऑफिसर से मिलकर SDP साहब से हम सब साथ बैठ के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू, क्या करना चाहिए, और ये जो भी जो बातें मैं बताया हूँ तो हम एनफोर्स करेंगे। तो और बाकी जो वॉलेंटियरली आप बोले हैं जनता कर्फ्यू, वो गवर्नमेंट ने भी पहले से ही बोल रहे हैं जितना हो सके आप घर में रहिए, जो भी ये बूढ़े लोग हैं या जो भी बच्चे लोग हैं, अगर आपका बाहर काम नहीं है तो आप घर में रहिए ना, जितना हो सके आप घर में रहिए ना, और जो भी बाकी लोग का बिजनेस है या जो भी काम है तो उनको तो गवर्नमेंट परमिशन दिया ही है काम करने के लिए, उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो सो इट्स अप टू यू, बट बाकी जो इन्फोर्समेंट करना है एज इंसिडेंट कमांडर फॉर कोरोना और किनवर टू का सब डिविजन, आई विल डू माई पार्ट। किनवट शहरातील जनता कर्फ्यू हा गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 4 दिवस राहील, तरी व्यापाऱ्यांनी या हा जनता कर्फ्यू पाळावा ही विनंती मी व्यापारी संघटनेचा अध्यक्ष या नात्याने